दादी मैं पार्क जा रहा हूँ। अरे वाह भाई, कौन लेके जा रहा है मेरे बच्चे को पार्क? चाचा और चाची। वाह भाई, आपके तो मजे आ गए। लेकिन ये बताओ कि दादा और दादी अकेले घर में क्या करेंगे? बाबा आप लोग भी साथ चले ना। अरे नहीं बेटा, हमें तो वैसे ही अम्मा ने बुलवाया हुआ है, उन्होंने कुछ मशवरा करना है, इस वजह से हम नहीं जा सकते। मशवरा करना है? किस लिए? वो बेटा रुशना का रिश्ता आया हुआ है तो वो लोग आ रहे हैं घर, तो इसी सिलसिले में बस अम्मा ने बात करनी है कुछ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। दादी जान ने मुझे बताया था, मैं नौफिल को बताना भूल गई। हाँ भाई, वो शव के जानने वाले हैं, हमारा भी काफी आना जाना रहा है उनके यहाँ, काफी अरसा वो सऊदीया में रहे तो अब वापस आए। तो बहुत खुशी की बात है गुल, हम लोग भी चलेंगे मुबारकबाद देने। जरूर। आप लोग सब बातें करते रहेंगे, लेट हो जाएंगे। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक तो कह रहे है भाई, देर हो जाएगी तो पार्क जाने का क्या फायदा। चलो लेके जाओ मेरे बच्चे को, और सुनो आइसक्रीम भी खिलाना इसको। हाँ हाँ चलो ना यूसुफ, आ जाओ आ जाओ। चलो जाओ जाओ शाबे जाओ। क्या करूं, एक के बाद एक मुसीबत आ जाती है। इतनी मुश्किल से गुल को नौफल की जिंदगी से निकालने का मंसूबा तैयार किया और अब एक नई मुसीबत आ गई। कमाल ने मुझे अपने बेटे दानियाल का नंबर दिया है, कह रहा था कि इससे बात करके तसल्ली कर लो। दानियाल सदीकी, तुम्हारी तो समझो छुट्टी हो गई। रुशना को हासिल करना इतना आसान नहीं, वो तो तुम जैसों के लिए बनी ही नहीं। रुशना पे सिर्फ नौफिल का हक है, सिर्फ और सिर्फ नौफिल का। मैं जब तक गुल की जगह ना ले लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। चले माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ताला रुशना के नसीब अच्छे करे। अम्मा फायजा कहाँ है? भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, सो रही है। अगर ठीक होती तो कौन सा आके वो बैठ जाती तुम लोगों के साथ। छोड़े ना अम्मा, उसका होना ना होना वैसे ही बराबर है, और उसने कौन सा अच्छा मशवरा दे देना। अच्छा शहूद, ये बताओ कि रुशना की शादी कब करनी? भाई मैं तो चाहती हूँ कि एक महीने के अंदर अंदर ही हो जाए, वक्त लेने से क्या फायदा। हाँ अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, वैसे भी देखे भाले लोग हैं, छानबीन तो करनी ही पड़ेगी। अरे भाई कमाल अपने मोहल्ले में रहता था, घरों में आना जाना था, अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं उन लोगों से। और मैंने आज दानियाल से भी बात की, माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब है उसकी। बेटा मैं तो सोचूं जब वो लोग आए तो तभी उनसे शादी की तारीख भी ले। बिल्कुल ले ले अम्मा, कमाल भी तो यही चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके शादी हो जाए। जी जल्दी भी ना होगी, हम शादी की तैयारी ना कर सके। अरे फातिमा, इस पे तैयारी की बात कहाँ से आ गई, सादगी के साथ निकाह करेंगे और क्या। भाई रुशना की पहले भी शादी सादगी से। बेचारी क्या सोचेगी, हजारों दिल में अरमान होंगे उसके भी। फातिमा बिल्कुल ठीक कह रही है शहूर, जाहिर है उसके भी अरमान है। भाई तो ठीक है ना, हम उसकी मेहंदी की रस्म कर लेंगे, जरा रौनक लग जाएगी, और फिर उसकी पसंद की शॉपिंग करवा देंगे। बिल्कुल ठीक कहा।